leaning smash. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवन स्पोर्ट्स टॉप एंड टू एन एक्साइटिंग न्यू वीडियो ऑन बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं ऑन टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन नायलन शटल कॉक्स अंडर 1000 रुपीज। तो हमारी आज की रैंकिंग बेस्ड है प्लेयर सर्वे और कोच सर्वे पे। जी हाँ, कुछ कोचेस से हमने बात की जानने के लिए कि किस तरह के कैटेगरी या लेवल के प्लेयर्स जो हैं वो कौन सी शटल के साथ खेलना पसंद करते हैं, और एक्चुअली में उनके लिए कौन सी शटल बेहतर रहेगी। तो दोस्तों शटल्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीड्स में अवेलेबल होती हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। स्लो जहाँ पे गर्म मौसम रहता है, फास्ट जहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद गिव अवे आ रहा है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि कहीं भी मैं बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और गिव अवे की कंडीशंस भी जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और दोस्तों वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है और नया कंटेंट लाने की इच्छा बनी रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं शटल नंबर 5 की। मैं हूं आपका दोस्त पवन, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहां पर है लीनिंग स्मैश नायलन शटल कॉक। वहीं अगर आप मीडियम स्पीड की लेते हैं तो नॉर्मल ट्रेनिंग कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी रहती है। सिंथेटिक हेड कॉर्क है और फ्लाइट टाइम काफ़ी एक्यूरेट है, ऐसा लीनिंग का कहना है। एक्चुअली सिंथेटिक कॉर्क का फ़ायदा ये होता है कि उसकी शेप जो है, जब नॉकिंग करते हैं तो यहाँ पे उतने सारे डेंट या उतने ज़्यादा जो बेंड्स हैं वो नहीं होते, ये बिल्कुल स्मूथ रहता है कॉर्क। तो जब फ्लाइट जाती है इसकी, तो स्मूथ होने की वजह से जो एयर कट के निकलती है उसका बहुत इवनली एयर कटती हुई जाती, तो इसकी वॉबलिंग के चांसेस और डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है सिंथेटिक कॉर्क का आजकल यूज़ किया जाने लगा है। वहीं फ्लाइट टाइम अगर कंपेयर करें फेदर शटल कॉर्क से तो क्लोज तो है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो स्ट्रिक्टली लीनिंग ने इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए रखा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी जो है वो इसकी काफ़ी डिसेंट है। और 6 शटल्स का पैक जो है वो आपको मिल जाता है 299 रुपीज़ की, और डिस्काउंटेड लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों बैडमिंटन एक हाई स्टेमिना और हाई कार्डियो गेम है, जिससे आता है बहुत स्वेट, और उस स्वेट की स्मेल किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और उसी से लड़ने के लिए मैं यूज़ करता हूँ नॉट डिओड्रेंट्स। तो वहीं नॉट डिओड्रेंट्स काफ़ी वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस भी ऑफर करते हैं, जैसे स्पाइसी, वुडी, लेदरी और भी बहुत सारे, और इनकी फ्रेग्रेंसेस बहुत ही डिसेंट, बहुत ही बैलेंस्ड है, ना कम है ना ज़्यादा है, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सारा दिन जो है इनकी फ्रेग्रेंस वो बनी रहती है। तो आप चाहे ऑफिस जा रहे हों या खेलने जा रहे हों, कोई भी ओकेजन हो, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेफ़ ऑन स्किन है। तो इंतज़ार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिस्काउंटेड लिंक का यूज़ कीजिए और अपना फेवरेट डिओड्रेंट ऑर्डर कीजिए। लीनिंग बोल्ट नियो नायलन शटल कॉक। तो इसका सिंथेटिक बेस कॉर्क है, डेफिनेटली क्वालिटी जो है लीनिंग स्मैश से इसकी आपको बेटर मिलती है, और नायलन की स्कर्ट है तो हम जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस शटल को बनाने में ओवरऑल मटेरियल जो है वो ईवा का यूज़ किया गया। ईवा अगर आपको ध्यान हो तो शूज़ के सोल में कुशनिंग के लिए या ड्यूरेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी ईवा का यूज़ किया गया, जिससे कि शटल की ड्यूरेबिलिटी आप लोगों को बेहतर मिलती है। वहीं इसकी फ्लाइट जो है वो डेफिनेटली लीनिंग स्मैश से तो बेहतर है, लेकिन फेदर शटल के उतना ज़्यादा पास नहीं आती, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग पर्पजेज या फिर इंडोर कोर्ट्स पे आप खेलते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 399 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती है, डिस्काउंटेड लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा। योनिक्स मेविस 200 IN नायलन शटल कॉक। तो दोस्तों इस शटल का सबसे ज़्यादा यूज़ नोविस, बिगिनर, बिगिनर प्लस जो है वो करते हैं। अगर आप कोचेस से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई इनिशियल ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग और लर्निंग होती है, उस पर ये शटल का काफ़ी यूज़ होता है। वहीं ये शटल जो है वो काफ़ी स्टेबल और काफ़ी ड्यूरेबल है, और अगर हम बात करें रिकवरी की तो काफ़ी फास्ट रिकवरी है कंपैरेटिवली, और उसी वजह से आपको एक स्टेबल ट्रेजेक्ट्री मिलती है। और इसका कॉर्क भी आपको सिंथेटिक बेस कॉर्क मिलता है, जिससे कि इसके एरोडायनामिक्स उतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो फेदर शटल से अगर इसकी फ़्लाइट टाइम और फ्लाइट एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल करती है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो लीनिंग बोल्ट नियो के काफ़ी क्लोज हैं, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन इसका मेन सेलिंग पॉइंट जो है वो है इसकी स्टेबिलिटी, फ्लाइट की स्टेबिलिटी और इसकी ड्यूरेबिलिटी। प्राइस की बात करें तो 399 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हो जाता है, लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा। और ये आपको मिल जाती है मेड इन ताइवान। योनिक्स मेविस 10 नायलन शटल कॉक। तो योनिक्स ने जब ये शटल डिज़ाइन की तो दिमाग में यही था कि इसका फ्लाइट टाइम, फ्लाइट एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल फेदर शटल कॉक के मुकाबले की होनी चाहिए, और ये काफ़ी क्लोज है भी, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस और लर्निंग जो है वो सिर्फ बिगिनर या नोविस लेवल पे नहीं होती,
इंटरमीडिएट एडवांस प्रो सब जो है लर्निंग और प्रैक्टिसिंग ये हमेशा चलता ही रहता है। वहीं इसकी रिकवरी जो है वो काफ़ी फास्ट है। शटल की रिकवरी है 0.02 सेकंड्स में और 0.005 सेकंड्स स्लोअर है ये फेदर शटल से और 0.08 सेकंड्स फास्टर है एक नॉर्मल शटल कॉक से। तो 6 शटल्स की ट्यूब आपको मिल जाती है 599 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन और लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। और मेक की बात करें तो मेड इन जापान। तो नंबर 1 पे 2 शटल कॉक्स हैं और पहली शटल कॉक जो है वो है योनिक्स मेविस 2000 नायलन शटल कॉक। तो अगर हम फ्लाइट टाइम फ्लाइट एक्यूरेसी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो योनिक्स मेविस 10 के बिल्कुल आइडेंटिकल है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन क्या चीज़ है जो इसे उससे अलग बनाती है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। शटल की रिकवरी है 0.02 सेकंड्स में और 0.005 सेकंड्स स्लोअर है ये फेदर शटल से और 0.08 सेकंड्स फास्टर है एक नॉर्मल शटल कॉक से। लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी जो है वो योनिक्स मेविस 10 से बेहतर है। और अगर प्राइस की बात करें तो 999 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन आपको अवेलेबल हो जाता है। डिस्काउंट एंड लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर है योनिक्स मेविस 350 नायलन शटल कॉक। अभी तक की सारी शटल्स में सबसे बेहतर स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी आपको इस शटल कॉक से मिलती है और काफ़ी 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 क्लोज है ये फेदर शटल कॉक के। वहीं इसकी स्पीड 0.008 सेकेंड्स फास्टर है एक नॉर्मल और ऑर्डनरी शटल कॉक से। वहीं रिकवरी टाइम जो है 0.02 सेकेंड्स है और 0.005 सेकेंड्स स्लोअर है फेदर शटल कॉक से। वहीं मिल जाती है मेड इन जापान और 6 शटल्स का पैक आपको मिल जाता है 999 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन और डिस्काउंटेड लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों गिव अवे का आज का क्वेश्चन ये है कि आज की जो शटल्स हैं उनमें से आपकी फेवरेट शटल कौन सी है और क्यों है, ये आप लोगों ने लिख भेजना है मुझे और मैं चुनूंगा एक लकी विनर। ये वीडियो के पोस्ट होते 7 दिन के अंदर आप लोगों ने अपनी एंट्रीज भेजनी है और जो गिव अवे की कंडीशंस हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंशन है। और चैनल के बूस्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों ये तो थी मेरे लिए, तो मैं जानता हूँ काफ़ी लोग अग्री करेंगे काफ़ी डिसअग्री करेंगे, जो भी हो लिखिएगा ज़रूर मैं जवाब दूंगा। And until then, stay safe, stay healthy, watch healthy videos, and have a great day.